ऑलराइट गाइस, सो कैसे हो आप लोग। सो आज के एपिसोड में हम लोग बहुत ज्यादा एडवेंचर करने वाले हैं, खतरनाक वाली। सो आज हम लोग जाने वाले हैं नेदर में फोर्ट्रेस फाइंड करने के लिए। तो फोर्ट्रेस फाइंड करने के लिए हम लोग को नेदर के पुल से भी गुजरना होगा एंड बहुत सारे पिगलेन से भी फाइट करना होगा। सो आई डोंट नो मेरे साथ होने क्या वाला आज। हम लोग लावा पुल में गिर के मर भी सकते हैं एंड हमारी सारी रिसोर्स डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। तो आज हम लोग यही वाला रिस्क लेंगे एंड हम लोग फाइंड करेंगे अपना फोर्ट्रेस, देन वहां वेदर स्केल से फाइट करेंगे एंड हम लोग कलेक्ट करेंगे वेदर स्केलेटन हेड एंड हम लोग ब्लेज रोड कलेक्ट करने के लिए ब्लेज से भी फाइट करेंगे। सो आई डोंट नो क्या होने वाला, इसलिए मैंने गोल्डन एप्पल एंड गोल्डन कैरेट से खूब सारा बना लिया है। सो अभी चलते हैं हम लोग नेदर में। सबसे पहले हम लोग को जाना पड़ेगा अपनी ओल्ड विलेज में, उधर ही हम लोग का नेदर पोर्टल बना हुआ है, तो उधर ही से हम लोग जाने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि मैं क्या क्या रिसोर्स ले जाने वाला हूँ फोर्ट्रेस फाइंड करने के लिए। तो मैं फोर्ट्रेस जाने के बाद कुछ ऑब्सिडियन ले जा रहा हूँ उससे पहले एंड फ्लिंट एंड स्टील, ताकि मैं फोर्ट्रेस में एक पोर्टल बना चुकूँ इमरजेंसी के लिए कि मैं वहां से एग्जिट कर सकूं डायरेक्टली, क्योंकि उधर पे अगर पूरा लावा पूल रहेगा या तो कुछ भी रहेगा तो मैं उधर रिस्क नहीं लेना चाहता हूं। दैट्स व्हाई मैं ऑब्सिडियन ले जा रहा हूं एंड खूब सारा ब्लॉक्स ले जा रहा हूं, ताकि ब्रिजिंग करना पड़ेगा। आई नो, मैं श्योर हूं कि उधर पे ब्रिजिंग करना ही पड़ेगा मेरे को। तो अभी चलते हैं हम लोग फटाफट से अपनी पुरानी विलेज में। ओके, सो मैं अभी आ चुका हूं अपनी पुरानी विलेज में, जिधर पे मेरा पोर्टल एक्टिवेटेड है ऑलरेडी। सो अभी मैं इधर से जाने वाला हूँ नेदर में एंड मैं अभी टेलीपोर्ट हो चुका हूँ नेदर पे। सो अभी स्टार्ट कर देते हैं हम लोग फाइंड करना अपना फोर्ट्रेस। सो लेट्स स्टार्ट द टाइम लैप्स। एंड इधर टाइम लैप्स में मैं जैसे ही ब्रिजिंग कर रहा था तो मेरा सिचुएशन छूट चुका था एंड मैं डायरेक्ट गिर चुका था अपने लावा पुल में। बट डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे को इधर ब्लॉक दिख रहे थे, तो मैं इधर कैसे भी करके एक ब्लॉक के ऊपर खड़ा हो जाता हूँ। सो इस तरह की प्रॉब्लम आती रहेगी, तो इसलिए मैं ये सब तुम लोग को दिखा के तुम लोग का टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। सो मैं इधर पे फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ वीडियो को। सो हम लोग अब मिलते हैं फोर्ट्रेस में। सो थोड़ा मोड़ा टाइम लैप्स भी एंजॉय करो, मेन मेन पार्ट मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ टाइम लैप्स में। गाइस थिंक व्हाट, फाइनली मेरे को मिल चुका है फोर्ट्रेस। सो इसको फाइंड करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा एंड बहुत ज़्यादा रिस्क लेके मैं अभी तक आया हूँ। बट मुझे अभी भी पता नहीं मैं यहाँ पे मरूंगा या क्या करूँगा, क्योंकि मैं अभी भी लावा पुल के ऊपर ब्रिजिंग कर रहा हूँ। सो अभी फटाफट से चलते हैं लावा पुल को पार करते हैं, देन हम लोग जाते हैं अपने नेदर फोर्ट्रेस में, वहीं पे तुम लोग से मिलते हैं। एक सिक्योर वाला प्लेस खोज के उधर पे हम लोग अपना पहले रूम सेपरेट से क्राफ्ट करेंगे, तो वहीं पे मिलते हैं तुम लोग से डायरेक्ट। एंड गाइस फाइनली मैं बहुत ज़्यादा रिस्क लेके फोर्ट्रेस के अंदर आ चुका हूँ, तो अभी इधर मैं अपना सेपरेट रूम बनाने वाला हूँ, अपनी चेस्ट और क्राफ्टिंग टेबल प्लेस करके इधर पे ऑब्सिडियन का एक ट्रांसपोर्टल बना दूंगा। देन मैं इधर से जाने वाला हूँ सबसे हाई रिस्क लेके अपना ब्लेज रोड कलेक्ट करने के लिए एंड वेदर स्केल भी कलेक्ट करूँगा मैं आज, थर्ड और फिफ्थ जितना भी होगा सो मैं कलेक्ट करूँगा। देन तुम से मिलता हूँ फाइट के बाद। सो एंजॉय द कैमरास ऑफ द फाइट ऑफ दी नेदर पोर्टल। एंड गाइस फाइनली हमारा सेपरेट रूम पूरा कंप्लीट है। सो मैं ये पोर्टल इसीलिए बनाया हूँ क्योंकि इधर से जो कलेक्ट करके मैं जाऊँगा तो मैं नेदर के थ्रू नहीं जाने वाला हूँ। सो मैं ओवरवर्ल्ड के थ्रू ट्रेवल करूँगा। आई होप, आई नो कि ये बहुत ज़्यादा मुझे लॉन्ग पड़ेगा, बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ अपनी सारे मेहनत का। तो अभी चलते हम लोग फाइट लेते हैं अपनी इधर के ज़ॉम्बी से जितने भी सारे हैं। सो मुझे पीछे के साइड स्केलेटन दिख चुका है, तो मैं फाइट कर लेता हूँ उन लोग से, देन तुम लोग से मिलता हूँ आफ्टर ओवरवर्ल्ड। इधर मैं फाइट कर रहा था और इधर ओवरलोड हो चुका था मेरे साथ। सो जिस चीज़ का डर था वही हुआ, मैं लावा पुल में गिरा एंड इधर पे मेरा 4 गोल्डन कैरेट भी
इतनी सुबह, क्योंकि मुझे वो एडिट करना ही पड़ा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइट हो गया, उन लोगों ने मुझे गिरा दिया था लावा पुल के अंदर, बट मैं इधर पे बच जाता हूँ। वो कैसे उस दिनों पर मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरा रिकॉर्डिंग भी क्रैश हो चुका था, बट मैं इधर ब्लॉक लॉक लगा के अपना गोल्डन एप्पल सब खा के ब्लॉक लगाया मैंने, एंड देन इस पिलर के बीच में घुस के मैं ऊपर गया था। सो अब तुम लोग को मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। ओके गाइस, सो अभी मैं जैसे तैसे करके बहुत ज़्यादा मुश्किल को सर्वाइव करके मैं अपना आ चुका हूँ फिर से सेपरेट रूम में, एंड अभी मैं जाने वाला हूँ ओवरवर्ल्ड में, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मुझे फाइट लेना है। मेरे पास बहुत कुछ कलेक्ट भी हो चुके हैं, जो मैं तुम्हें वो दिखा देता हूँ वो क्या क्या थे। ओके गाइस, सो बहुत टाइम फाइट करने के बाद मेरे पास 5 वेदर स्कल एंड 61 ब्लेज रोड हो चुका है, तो अब मैं इधर पे कोई फाइट नहीं लेने वाला हूँ। अगर मुझे कभी और एक वेदर स्कल का ज़रूरत पड़ेगा तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, बट अभी मैं चलता हूँ ओवरवर्ल्ड में एंड अपने स्टार्टिंग बेस में जाता हूँ, क्योंकि अब मैं रिस्क एकदम नहीं लेना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेरे को फंस गया था मैं, बट बहुत मुश्किल से बचा हूँ। मेरे 4 गोल्डन एप्पल भी ख़त्म हो चुके हैं, अब मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। सो मिलते हैं ओवरवर्ल्ड में, देन लेट्स गो। ओके गाइस, सो मैं ओवरवर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो चुका हूँ एंड चेस्ट भी प्लेस कर दिया। अभी धरे मैं सारा सामान अपने चेस्ट में रखने के बाद मैं जाने वाला हूँ अपनी स्टार्टिंग प्लेस में, तो एंजॉय करो। टाइम लग उसमें वो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि 4000-6000 ब्लॉक में दूर आ चुका हूँ ओवरवर्ल्ड में। सो लेट्स गो। एंड गाइस, जहाँ पे मैं स्पॉन हुआ था वहाँ पे एक बहुत बड़ा टावर लगा दिया हूँ, सो इधर पे मैं वाटर डाल दिया हूँ, तो इधर से मैं डायरेक्ट जंप करके जाने वाला हूँ अपनी स्टार्टिंग बेस में। सो मैं इसको इसीलिए किया हूँ कि कभी मेरे को आना पड़ेगा तो मैं इधर से ही डायरेक्ट आऊँगा। मैंने बहुत सारा सामान अपने यहीं पर छोड़ रहा हूँ एंड मैं चलता हूँ अपनी स्टार्टिंग बेस में, तो डायरेक्ट वहीं पर मिलते हैं। नो टाइम लेफ्ट, लेट्स गो। सो यस गाइस, सो तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेस्ट पार्ट कमेंट करो एंड वीडियो को लाइक कर दो अगर तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा। एंड मैं आ रहा था जब अपने स्टार्टिंग बेस में, सो मेरे को एक पपी मिला जिसको मैं टैम कर लिया, सो वो मेरे पीछे में, तो इसके टैममेट को मुझे फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को बहुत सारा स्कल से बोन मिला था, इसलिए मैंने इसे टैम करके लेके आ चुका था। अभी मेरा एक लाइव पार्टनर हो गया, तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं करने वाला हूँ इसे इसको नेम टैग। सो बाय सजना जी, मैनू छड़ के नहीं जाना कदी।